बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी बैंगन फ्राइज। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। क्रिस्पी फ्राई बैंगन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है बैंगन, मैदा, 2 अदद अंडे, आधी चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मैंने 3 अदद बैंगन लिए थे, इसको मैंने कहीं कहीं से छील लिया था और इसको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया था। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया और इसमें पानी डाल दिया है। पानी को हमने उबालना है। इसमें हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर हमारा पानी बॉईल हो रहा है। पानी बॉईल हो जाएगा हमारा तो हम इसमें अपने बैंगन ऐड करने हैं। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा पानी उबलना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है कि अपनी आंच को हल्का करना है और इसमें अपने बैंगन डाल देने हैं। हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीच में रखना है पानी के हल्की आंच पे। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप आसानी से समझ आ सके। ये बहुत ही मज़ेदार फ्राई होंगे। दो से तीन मिनट के लिए हमने इसे उबलते हुए पानी में डाला है। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको चूल्हे की आग बंद कर देनी है और इसको हमने निकाल लेना है। हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि इसका सारा पानी भी खुश्क हो जाए। जब तक हमारे बैंगन ठंडे होते हैं इतनी देर में हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से फेंट लेना है। मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 4 चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, सुर्ख मिर्च। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम अपना तेल गर्म होने के लिए रखते हैं। हमारा तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक बैंगन लेना है, इसको हमने अंडे पे डिप करना है। हाथ की मदद से काट लें, हमने अच्छे से कोट कर देना है। अब इसके ऊपर हमने मैदे की कोटिंग करनी है। अच्छे से मैदा लगा लेंगे इसको। एक दफा फिर अंडे में जाएगा। हम इसको बहुत ज्यादा क्रिस्पी बना रहे हैं, देखना ये बहुत ही मजेदार होगा। इस तरीके से आप बनाएं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। एक दफ़ा फिर से मैदे में हम कोट करेंगे इसको। अच्छे से मैदा इस पर लगा देना है। हमने अच्छे से कोट कर लिया है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। एक और बैंगन लेंगे, इसको भी हमने सेम इसी प्रोसेस से करना है। अंडे की कोटिंग करनी है अच्छे से, मैदे की कोटिंग, इसको भी अब हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह आपने तीसरे को भी कोट करके फ्राई कर लेना है। हमने इसको टर्न कर लेना है।
ताकि दोनों साइडों से अच्छे से पक जाए। हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी फ्राई बैंगन तैयार हो रहे हैं। ये हमारे क्रिस्पी बैंगन फ्राइज तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। दूसरा भी हमने निकाल लेना है। टिश्यू पेपर के ऊपर रख रहे हैं ताकि एक्सेस ऑयल जो है हमारा सारा निकल जाए। अब हम इसमें अपना ऐड करेंगे होममेड चिली सॉस। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।